देश में चुनावी दंगल अभी जारी है। कल के मतदान के साथ ही 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी 5 चरणों का मतदान बाकी है, जिसे लेकर पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां अपने चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटी हैं। लेकिन इन सब के बीच बंगाल की राजनीति में एंट्री मारने जा रहे असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा धक्का लगा है। बंगाल के प्रशासन ने ओवैसी की रैली को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर बंगाल की राजनीति तेज हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 अप्रैल को हुए मतदान के साथ ही देश के 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी 5 चरणों का मतदान बाकी है। बाकी बचे 5 चरणों में बंगाल की 203 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 7वें और 8वें चरण में मुर्शिदाबाद में भी मतदान होना है, जिसे लेकर टीएमसी, कांग्रेस, वाम दलों का गठबंधन और एमआईएम के साथ बीजेपी भी इस जिले में पूरी ताकत लगा रही है। इसी कड़ी में एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मुर्शिदाबाद में रैली करने वाले थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कारण बताकर ओवैसी के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं होने दिया और आखिरी समय में उनके मुर्शिदाबाद रैली की इजाजत को रद्द किया। ओवैसी ने इसके लिए ममता सरकार पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रैली को ममता बनर्जी के इशारे पर रद्द किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल में 7, 8 और 9 अप्रैल को रैली करनी है। पार्टी की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक ओवैसी मुर्शिदाबाद, मालदा, आसनसोल में चुनावी सभा करने वाले हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में लगभग 75% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस का गढ़ है। वाम मोर्चा के 34 वर्ष के शासन में भी इस गढ़ में ज्यादा सेंधमारी नहीं हो पाई। कांग्रेस और वाम दलों के 2016 के विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने का नतीजा था कि जिले में 22 विधानसभा सीटों में से 18 पर कब्जा जमाया था और टीएमसी को केवल 4 सीटें मिली थी। मुर्शिदाबाद में 7वें और 8वें चरण में मतदान होना है। दरअसल ममता बनर्जी जिले में मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होने देना चाहती हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। बंगाल में बीजेपी भी मुस्लिम वोटरों की अहमियत समझती है और इसलिए स्थानीय लोगों का मानना है कि ओवैसी उनकी चुनावी रणनीति का ही एक हिस्सा है और टीएमसी भी ओवैसी को लेकर लगातार बीजेपी की बी टीम करार देती रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की आगे की क्या रणनीति होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।